फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्क अर्निंग ऐप के बारे में, जिसको muskearn.com, threeyearmusk.com के नाम से लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम तीन चीज बात करने वाले हैं। पहला, ये कंपनी फ्रॉड क्यों है, उसका हम आपको प्रूफ देंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों को पता है कि कंपनी फ्रॉड है, उसके बाद भी क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, इस ऐप की हम आपको रियलिटी बताएंगे। तो सारी चीज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर muskearn.com, threeyearmusk.com की बात करें तो ये दुनिया की जो मानी जानी शिपिंग कंपनी है मस्क, उसका कॉपी करके बनाया गया है। उसका लोगो भी इन लोगों ने यूज किया है, जिससे लोगों को ये डाउट न हो कि ये फ्रॉड कंपनी है। और ये उसी तरह से कंटेनर में, अलग अलग तरह के कंटेनर में ये लोग अपना प्लान निकालते हैं कि आप उनके कंटेनर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ रिटर्न हर दिन मिलता है या मिलेगा। तो अगर हम ये बात करें कि ये फ्रॉड क्यों है, तो जब मस्क को ये पता चला कि कंपनी इस तरह से मार्केट में चल रहा है, तो उन्होंने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे ये चीज मेंशन किया है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं वो बिल्कुल फ्रॉड है, फिशिंग है, आपके डेटा को चुराने के लिए, आपके कमाई को चुराने के लिए बनाई गई है, जिससे मस्क का कोई लेना देना नहीं है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि ये मस्क की जेन्युइन कंपनी है, तो उन लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये चाइना से ऑपरेट हो रहा है, तो इन ऐप के पीछे चाइनीज कंपनी का हाथ है, तो आपका जो पैसा है वो चाइना जा रहा है, और आपको पता है कि चाइना ट्रेडिंग में फंडिंग करता है, तो आपके देश का पैसा लेके ये कंपनियां जो देश आतंकवाद फैलाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, उनको फंड करते हैं, और वही पैसा रिटर्न आपके देश में यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को तो कभी फायदा नहीं होता, ओवरऑल कंपनी पैसा लेके भाग जाती है और नई कंपनी बना के फिर से इन्वेस्ट कराती है, तो आप इनसे बचे रहें। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये RBI से अप्रूव्ड नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए, भारत के अंदर जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, वहां पे RBI का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। अगर आप RBI के अप्रूवल नहीं लेते तो वो बोगस कंपनी होती है या फ्रॉड होती है। तो अगर muskearn.com की आप बात करिए, threeyearmusk.com की बात करें, तो ये कोई RBI से अप्रूव्ड नहीं है, ये फेक है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट मत करिए। चौथा जो हमारा पॉइंट है, तो इनका जो मेन बिजनेस है, आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको सोल्ड करना। जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल इनके पास मिल जाती है, तो ये आपके पूरे इंफॉर्मेशन को बेच देते हैं, जो कि हैकिंग करते हैं, जिससे आपका जो अकाउंट है हैक हो सकता है, आपके इंफॉर्मेशन गलत हाथों में जा सकती है, तो इसलिए भूल करके भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट न करें। पांचवा, ये सारी जो कंपनियां हैं अनऑथराइज हैं, यानी RBI से अप्रूव नहीं है, आपको हमने पहले ही बताया। तो जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा फ्रॉड कंपनी में जा रहा है, और आपके अकाउंट में जिन लोगों को पैसा मिलता है कुछ दिन तक, फ्रॉड कंपनी से आपको पैसा आ रहा है। तो जब इसकी रिपोर्टिंग होगी, बहुत सारे FIR दर्ज होंगे और जांच होगी, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं भारत सरकार की, चाहे ED हो, इनकम टैक्स हो, ये सारी जो एजेंसी हैं इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, जांच के लिए आपको बुलाया जा सकता है कि आप जानते हुए क्यों एक बोगस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं, ये कुछ दिन तक चलती हैं, उसके बाद नया अपना वेबसाइट बना लेते हैं और पूरा डेटा वहां पे ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं, और पुरानी जो इनका ऐप होता है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा पैसा वहां पे जो इन्वेस्ट रहता है वो डूब जाता है।
इसके अलावा अगर कोई ऑथेंटिक कंपनी होती है, जब आप गूगल में उसका वेबसाइट सर्च करते हैं तो वहां पे उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देता है इस प्रकार से। तो जब आप इन कंपनियों को सर्च करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कंपनी आपसे इन्वेस्ट करा रही है और उसका आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अब देखिए, पहले हमने जो वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा हमको पता है कि फ्रॉड है, फिर भी पैसा मिल रहा है तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको रीजन बता दूं कि ऐसे लोग जिनको पता है उसके बाद भी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला जो रीजन है कि बहुत सारे लोग जब इसको रेफर करते हैं तो उनको कुछ रिचार्ज मिल जाता है, कुछ टॉपअप मिल जाता है, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है जो कि उनको अट्रैक्ट करता है। दूसरा, कुछ यूट्यूबर इस पे वीडियो बनाते हैं या फेक इंफॉर्मेशन करते हैं कि कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा, लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई यहाँ पे लाखों रुपए नहीं कमाता है। जो वो यूट्यूबर हैं वो स्पॉन्सरशिप करने का इन कंपनियों से मोटी रकम लेते हैं, उसके बदले में यहाँ पे आके आपको झूठ बोलते हैं। तीसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो मिल रहा है, तो कुछ लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनका पैसा डूब जाता है, तो चाहते हैं कि नए लोग आए उनका भी पैसा डूबे, और बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत अमाउंट पा जाते हैं, ये भी बात सही है। 10% जो लोग होते हैं कुछ समय के लिए कुछ अमाउंट पाते हैं, तो इस वजह से उनको लगता है कि कंपनी सही है। इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं ये साइकोलॉजिकली आपको इतना ब्रेन वॉश कर देती हैं कि आप लालच में आके पागल हो जाते हैं। कंपनी आपको पहले छोटा इन्वेस्टमेंट प्लान देगी जहाँ के कुछ रुपए आपको हर दिन का रिटर्न होता है, आप वो पा जाते हैं तो आपको फिर उससे बड़ा प्लान लेते हैं, फिर उससे बड़ा प्लान लेते हैं, इस प्रकार से आप लेते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़ा प्लान लेंगे तो आपकी आईडी जो है ब्लॉक हो जाती है। अब अगर हम रियलिटी की बात करें तो एक पूरी तरह से फेक कंपनी है जिसको मस्क ने भी कंफर्म किया है, आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं है, अनऑथराइज है, इस कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और शुरू में ये कंपनी कुछ दिन तक आपको पैसा देती है, लेकिन जैसे ही आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, आपका विड्रावल नहीं निकलता और आपसे कहा जाता है कि आप और रिचार्ज करिए तब आपकी आईडी अनब्लॉक होगी। तो इस प्रकार से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप जान गए होंगे इस सब की असलियत, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट न करिए। कुछ दिन तक आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट मिल जाए, पर उसके पीछे आप अपना समय मत बर्बाद कर दी। जांच होगी तो जांच एजेंसियों के चक्कर में आप फंस सकते हैं, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। बहुत सारे लोगों का सुनने में आया है कि अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। एंड अवेयर रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।